हेलो एवरीवन, यह एक्सेलेंट रियलिटी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिजल्ट यहाँ पर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो अराउंड वैसे तो 142 लाख थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 160 लाख यहाँ पर हो गई है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं हम इस शेयर के टोटल एक्सपेंसिस की। टोटल एक्सपेंसिस भी यहाँ पर देख लेते हैं तो ईयरली बेसिस में 70 लाख थे, जो क्वार्टरली बेसिस में 104 लाख यहाँ पर हो गए हैं। इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है शेयर के एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। अब बात करते हैं इस शेयर के यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, यानी कि जो प्रॉफिट निकल कर आया है। ईयरली बेसिस में तो यहाँ पर 300 लाख थे, जो क्वार्टरली बेसिस में 45.78 लाख यहाँ पर हो गया है। क्वार्टरली बेसिस में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर जो है डिक्रीज हुई है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर देख लेते हैं, शेयर का ईयरली बेसिस में 21 पैसे था, अब जो है 1 पैसे यहाँ पर हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है वैसे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इतने अच्छे भी नहीं रहे हैं, मतलब ठीक ही रिजल्ट है। बात करें प्राइस लेवल की तो यहाँ पर 0% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं और रिटर्न्स भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो आप इस शेयर को इस मंथ तक होल्ड करके जैसे ही थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ मूव करे तो सेल करके एक्सिट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से होल्ड मत करिए, लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से होल्ड करने के लिए जो ये शेयर है वो इतना अच्छा नहीं है।